हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के पार्ट वन के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, वो मुझे पता है कि आप क्या कन्फ्यूज कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट वॉच करना। एक्चुअली यहाँ पर गाइस लोग कन्फ्यूज़ ये कर रहे हैं कि हिंदी का एग्ज़ाम जो होना है तो वो कब होना है, और वो हिंदी में ये बात को लेके कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या हिंदी में भी असाइनमेंट बनाए, ये वो इस टाइप से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसी बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सभी को पता होगा कि ऑनर्स का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, ये तो सही है, और 200 सब्सिडी का होता है, और 100 यानी 100 मार्क्स का आपका राष्ट्रीय भाषा का होता है, ठीक है। तो अब अगर हम रूटीन की बात करें, यहाँ पर रूटीन मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो 18 का है, ये 19 का रूटीन है। यहाँ पर आप रूटीन देख सकते हो कि आप कोई भी उठा लो, तो आप यहाँ पर हिंदी का देख सकते हो, हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी जहाँ पे पॉपअप कर रहा हूँ, ये है 4 जून को, और एक मैं आपको राष्ट्रीय भाषा दिखाता हूँ, ये है 7 जून को। तो इस दोनों में मैं अगर अंतर पूछूँ तो क्या है, तो ये हो गया हिंदी सब्सिडी, कि आप जिस भी आप जो भी अपना ऑनर्स लिए हो और उसके साथ आप हिंदी सब्सिडी भी ले लिए हो। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीय भाषा है ये आपको ऐसे भी दे दिया जाता है, चाहे आप लो या ना लो, लेकिन हाँ आपके मन पे एक ही चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप राष्ट्रीय भाषा में अगर आपका मन हो तो 100 मार्क्स का सिर्फ हिंदी ही ले सकते हैं, या आपका मन हो तो 50 मार्क्स का तो हिंदी लेना ही पड़ेगा और बाकी का 50 मार्क्स आप उर्दू ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, आप जो चाहो वो ले सकते हो, वहाँ पे ऑप्शनल रहता है, जितना ऑप्शन में रहेगा उतना में से आपको चूज करना होता है। तो इसी के अनुसार आपका एग्ज़ाम होता है। तो कन्फ्यूज़ लोग यही कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 4 जून को होगा या 7 जून को होगा। तो अगर आपने सब्सिडरी में हिंदी लिया होगा तो आपका एग्ज़ाम 4 जून को होगा और 7 जून को भी होगा, लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा का एग्ज़ाम होगा। अगर आपका सब्सिडी में हिंदी नहीं है तो आप आराम से 7 जून को एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने 7 जून को बोल दिया है तो 7 जून को ही होगा, आपको अपना रूटीन देखना है, और अपना रूटीन देखने के बाद आपका राष्ट्रीय भाषा जहाँ पे लिखा होगा, जिस डेट में आपका राष्ट्रीय भाषा होगा उस डेट में आपका राष्ट्रीय भाषा का एग्ज़ाम होगा। राष्ट्रीय भाषा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो कि सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो या बीकॉम का स्टूडेंट हो या बीए का स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने बोल दिया कि 100 मार्क्स जो होता है वो कंपलसरी होता है, और इसका मैं वर्गीकरण आपको करके बता दिया। तो अब दूसरा बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हिंदी में असाइनमेंट बनाना है कि नहीं। कुछ कुछ स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि हिंदी में असाइनमेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि क्या आपके सब्जेक्ट में हिंदी सब्सिडरी है। अगर हिंदी सब्सिडरी नहीं है तो सिर्फ कंपलसरी हिंदी होगा, तो आपके पास हिंदी का सिर्फ एक ही बुक आपको मिला होगा और बाकी दो आपको सब्सिडरी होगा, बाकी दो हिंदी को छोड़ के, और दो ऑनर्स पेपर का पेपर होगा, यानी 400 मार्क्स हो गया जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया। तो आपका सिर्फ अगर हिंदी एक ही हिंदी है तो आप समझ लो कि आपका वो कंपलसरी है, 100 मार्क्स का, वही राष्ट्रीय भाषा है, तो आपको असाइनमेंट पेपर नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, तो असाइनमेंट पेपर के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको असाइनमेंट पेपर नहीं बनाना है। अगर सब्सिडी में हिंदी है और इधर भी हिंदी है तब तो आपको असाइनमेंट पेपर बनाना पड़ेगा, तब आप आराम से असाइनमेंट पेपर बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैं बार बार दोहरा के इसलिए बोल रहा हूँ जो कि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं करो और अच्छे से आप समझ जाओ। एक ही बात को मैं थोड़ा सा रिपीट भी करके बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितनी सारी बातें बताई आप समझ गए होंगे और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और जल्दी दूंगा। और अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑनर्स किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हो और अभी पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं सारा अपडेट लाते रहता हूँ। सो गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन इसी तरह बना रहता है कि आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँ। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।